हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक भास्कर। स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं योगा स्लिम 7 प्रो एडिशन के रिकॉर्डिंग, जो कि हमारा नया लैपटॉप सीरीज का एक आया हुआ है। इस पे योगा पे जनरली अपन ने कन्वर्टेबल लैपटॉप देखे होते हैं, बाकी इसमें आपको ये नॉन कन्वर्टेबल लैपटॉप पे है और वेट भी इसका काफी कम है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो कि मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, इवन आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। आई होप कि आपको ये लैपटॉप बहुत पसंद आया। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें या इसका वेट का बात करें, इसकी बैटरी बैकअप की बात करें, सभी चीजों में ये लैपटॉप बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसके परफॉर्मेंस से, जिसमें अपन सबसे पहला बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, जो कि हमारा मेन है हर टॉपिक का, वही सबसे एक मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है इंटेल का ईवो प्रोसेसर, जो कि i5 11th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। इसका जो प्रोसेसर नेम है वो देखने को मिलता है 1132U320H क्लास प्रोसेसर। इसमें जिसमें मैं भी शुरू में कंफ्यूज हो गया था कि यू क्लास प्रोसेसर है करके, लेकिन मैंने जब इसका चेक किया तो ये एच क्लास प्रोसेसर है। इवन इसकी जो बूट अप स्पीड है वो भी बहुत अच्छी है। इसमें इंटेल के i5 ईवो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एच क्लास आता है। प्रोसेसर का जो नाम है वो आपको देखने को मिल जाता है 1132U320H क्लास प्रोसेसर है। इसकी क्लॉक स्पीड की बात बताएं तो ये आपको मिल जाता है, बेसिक क्लॉक स्पीड ही इस लैपटॉप का होता है 3.2 GHz, एंड ये बूस्ट ऑफ कर सकते हैं 4.5 GHz तक के। तो एक प्रॉपर गेमिंग प्रोसेसर के जैसा आपको इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस लैपटॉप की ग्राफिक्स की, तो इसमें आपको इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं, जो कि मिलती है अपने को i6 ग्राफिक, ये आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक होता है। एंड बात करते हैं इसकी चिपसेट की, तो इसमें आपको इंटेल के प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, जिसको सिस्टम ऑन चिप भी बोल सकते हैं अपन, जो कि इंटेल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसकी मेमोरी की, तो इसमें आपको 16 GB का रैम मिलता है, जो कि LPDDR4 है, और इसकी मेगाहर्ट्ज बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका जो मेगाहर्ट्ज है नॉर्मल रहता है DDR4 पे 3200 MHz, क्योंकि ये सोल्डर्ड रैम है इसलिए आपको इसका मेगाहर्ट्ज जो है वो मिलता है 4266 MHz का। एंड इसमें एक्सटेंड ऑप्शन नहीं है, जैसे मैं बताया कि ये जो लैपटॉप है ये सोल्डर्ड रैम मिलती है इसमें, तो आप रैम को इंक्रीज नहीं करा सकते हैं। इसमें 512 GB की NVMe SSD देखने को मिलती है, जो कि 3.0 है, जो कि थर्ड जनरेशन की SSD देखने को मिलती है। और इसको अपन चाहें तो सिंगल स्लॉट है, या तो उस SSD को निकाल के दूसरी SSD लगा सकते हैं, जिससे इसकी जो हो सकते हैं स्टोरेज है वो आपकी बढ़ जाती है। वैसे 512 GB ऐसा इनफ है कि आपका स्टोरेज का काम भी कर सकता है, ऐसा आप बाहर से एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हैं। जैसे आपको आइडिया होगा कि आजकल तो 512 GB 120 GB की पेन ड्राइव वगैरह आ जाती है, तो आप ऐसा एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। और बात करें इस लैपटॉप की आइडियो चिपसेट्स की, तो इसमें आपको मिलता है वही HD अपना आइडियो देखने को मिलता है, जो कि हाई डेफिनेशन आइडियो होता है। और इसमें जो स्पीकर्स हैं वो थोड़ी अलग देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पीकर्स हैं वो स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि ऑप्टिमाइज्ड हैं डॉल्बी एटॉम्स ऑडियो से। एंड इसमें आपको देखने को मिलता है जो अपना स्पीकर्स के अलावा एक चीज और अच्छी है इसकी, कि इसमें आपको जो बैटरी है वो भी देखने को मिलती है, वो अपना 61 Wh की बैटरी देखने को मिलती है इसकी, जिसकी बैटरी लाइफ अगर अपन कंपनी के हिसाब से देखें तो वो 13 से 18 घंटे तक की इसकी बैटरी बैकअप क्लेम करते हैं। जी सही सुन रहे हैं, 13 से 18 घंटा कंपनी क्लेम करती है इसको, लेकिन अगर अपन यूजर्स के हिसाब से देखें तब भी मैं इसको बोलूं तो लगभग सुबह से अगर मैं इसको लैपटॉप एक बार चार्ज कर दूं तो लगभग पूरा दिन चला लेता हूं। तो इसमें लगभग आप मान के चलिए कि 10 घंटे प्लस आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। तो योगा सीरीज भी एक बैटरी लाइफ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। एंड बात करते हैं अब दूसरी चीज की, तो ये आपके ये तो हो गई इसकी परफॉर्मेंस की बात। दूसरी इसकी बात करते हैं डिजाइन्स की, तो इसमें आपको मिलता है डिस्प्ले से स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन पे। तो डिजाइन पे आपको फर्स्ट आपको डिस्प्ले देख सकते हैं, ये 14 इंच का डिस्प्ले है, जो कि 2.8K है। और ये जो डिस्प्ले है ये भी बहुत अलग यूनिक डिस्प्ले है, क्योंकि इसमें अपन ने फुल HD सुनाएगा, लेकिन ये जो है आपका डिस्प्ले WQXGA डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 90 Hz का रिफ्रेश रेट है लैपटॉप पे। नॉर्मल 60 Hz का रहता है, बट ये 90 Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और इसमें आपको जो ब्राइटनेस है लैपटॉप में वो 400 nits का आपको ब्राइटनेस देखने को मिलता है। ऐसा अगर मैं आपको एक वीडियो भी रन करके दिखाऊं तो आपको जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। मैंने इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जस्ट सेकेंड, जैसा आप देख सकते हैं। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, साथ में 400 nits का ब्राइटनेस है। और इसमें आपका जो डिस्प्ले है इसमें 100% sRGB के साथ ये लैपटॉप देखने को मिलता है, मतलब कलर एक्यूरेसी के नाम से तो भैया बहुत अच्छी चीज है ये।
और इसमें बात करें और अच्छे फीचर्स की, तो इसका जो वेट है वो 1.3 केजी का लैपटॉप है आपका, और इसमें आपका जो कैमरा है वो मिलता है 720 पिक्सल्स का विद आईआर कैमरा है, तो आपका हेलो विंडो पे आप यूज कर सकते हैं। दूसरा इसकी बॉडी की बात करूं तो इसमें आपका जो टॉप और बॉटम साइड है दोनों एल्यूमिनियम बॉडी के साथ देखने को मिलता है। कलर की बात करूं तो स्टील ग्रे कलर का ये लैपटॉप आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आपको देखने को मिलता है विंडोज 11 और एमएस ऑफिस 2021, ये दोनों ही इसमें बाय डिफॉल्ट लाइसेंसी होते हैं, जेन्युइन होते हैं, और इसमें आपका प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। विंडोज डिफेंडर भी एक एंटीवायरस होता है, तो ये आपका लाइफ प्रोटेक्शन काम आएगा, जब तक लैपटॉप की विंडो आपकी सलामत है तब तक कि आपको एंटीवायरस की डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक अच्छी फीचर ये भी है कि ये जो लैपटॉप है आपका लाइटवेट के साथ 180 डिग्री का हिंजेस सपोर्ट देखने को मिलता है। इसका यूज नहीं है बेसिकली, बहुत लोग बोलते हैं कि अपन 180 डिग्री रख के कौन यूज करेगा, तो एक सही भी है 180 डिग्री रख के इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत अच्छा है। अगर सपोज कीजिए घर पे ऐसा कोई मेहमान है जो आया, उनको लैपटॉप की कोई नॉलेज नहीं है, या घर पे कोई बच्चा ही है जहां पर अपन लैपटॉप रख के यूज कर रहे हैं, अब उस भैया दिखा दो या भाई क्या कर रहे हो, बल्कि अगर उन्होंने ऐसा प्रेस कर दिया तो लैपटॉप का जो अधिकतर हिंज होता है इसका टूटने का कारण यही होता है कि लैपटॉप ऐसा खिसकाया अपन ने ज्यादा जोर से तो लैपटॉप का हिंज टूट जाता है, लेकिन ये जो है पूरा फ्लैट 180 डिग्री का हिंज सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हो मेरे पूरे टेबल से ये चिपक जा रहा है, बिल्कुल 180 डिग्री का हिंज सपोर्ट देखने को मिलता है लैपटॉप। और साथ ही साथ बात करें इसकी अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स की, तो इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए जो चिपसेट है उसमें आपको मिलता है फायरवॉल टीपीएम 2.0 और इसमें मिलता है अपना आईआर कैमरा के साथ जिसे आप हेलो विंडो पे लॉक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस लैपटॉप की, ये तो होगी बाकी सारी फीचर्स की बात, और बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की सर्विस की। जैसे मैं आपको बता रहा था तो इसमें बाय डिफॉल्ट 3 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है लैपटॉप पे। 3 साल पे अगर लैपटॉप में कुछ भी पार्ट अगर आपका खराब हो जाता है तो उसको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करती है ऑन साइड आपके घर पे आके। कीबोर्ड खराब हुआ कीबोर्ड रिप्लेस, मदरबोर्ड खराब हुआ मदरबोर्ड रिप्लेस, डिस्प्ले पे लाइंस आ गई डिस्प्ले रिप्लेस, इवन कोई भी पार्ट अगर आपका चलते चलते खराब हुआ तो उसको रिप्लेस करती है। एंड प्लस पॉइंट लैपटॉप का ये भी है कि लैपटॉप अगर अपन यूज कर रहे हैं बाय चांस लैपटॉप गिर के डैमेज हो गया, कोई बॉडी टूट गई, तब भी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट उस पार्ट को रिप्लेस करेगी। जी हाँ, इसमें भी आपको फर्स्ट ईयर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन बाय डिफॉल्ट मिलता है। जितना भी हमारे प्रो एडिशन मॉडल है ये चीजें आपको कंपलसरी हर लैपटॉप में मिलेगी, 3 ईयर वारंटी एंड फर्स्ट ईयर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन ये इसमें बाय डिफॉल्ट मिलेगा। और बात करें इस लैपटॉप की कनेक्टिविटी की, तो इस लैपटॉप पे आपको डुअल थंडरबोल्ट टाइप सी देखने को मिल जाता है जिससे आप डाटा ट्रांसफर स्पीड भी आपकी 40 Gbps की होती है, डिस्प्ले शेयरिंग भी कर सकते हैं एंड फास्ट चार्जिंग तो है ही है। और इसमें आपको 65 वॉट का एडॉप्टर भी देखने को मिलता है। अगर मैं इसके पोर्ट्स दिखाऊं तो आप कुछ देख पा रहे हैं, यू कैन सी डुअल टाइप सी है एंड एक आपको मिल जाता है माइक्रो जैक जो कि 3.5 mm का है और इसे आप स्पीकर हेडफोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और एक मिल जाता है आपने को USB जो कि 3.2 है और ये जनरेशन 1 की है, तो ये इसकी कनेक्टिविटी हो गई। मेरे को इस लैपटॉप पे ये लगा, दो चीजें इसकी बहुत अच्छी लगी, पहला तो इसका प्रोसेसर, दूसरी इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड तीसरा इसका वेट, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा प्लीज बताइए इस लैपटॉप पे। और इसकी रही बात प्राइसिंग भी कर लेते हैं, तो ये लैपटॉप मिल जाता है ओनली 468,000 रुपीज में एज अ मेरे स्टोर पे। लेनो की साइट पे या अदर साइट पे क्या मिल रहा है वो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये हमारे स्टोर पे 68,000 पे मिल जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप बिलासपुर विजिट कीजिए, बिलासपुर छत्तीसगढ़ मेरा एड्रेस है जिसपे आपको मिल जाएगा कृपा इंटरप्राइजेस, लेनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर यहाँ एक ही है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा ये चीज ओनली 68,000 रुपीज में। आइडिया पैड लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 7 प्रो एडिशन बिल्कुल सर। तो अगर आप इस पे इंटरेस्टेड है प्लीज मुझे बताइएगा एंड लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो का, नया चैनल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।